नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक लाजवाब सफ़र ले सिटी लद्दाख में। इस वीडियो में आज हम आपको लेके चलेंगे ले सिटी के कुछ ऐसे शानदार लोकेशंस जहां पर जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लद्दाख एक ऐसी लोकेशन है जो हर एक ट्रैवलर एडवेंचरर के डू लिस्ट में शामिल होती है। तो सबसे पहले अगर आप लद्दाख आना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है लद्दाख आने के, फर्स्ट है बाय फ्लाइट और सेकेंड है बाय रोड। और इस सिटी का कैपिटल है ले। ले सिटी हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये जगह तो बिल्कुल जन्नत की तरह है। यहाँ की संस्कृति, दिल को छू लेने वाले नज़ारे और शांति भरे मॉनेस्ट्रीज का जादू हर किसी को बस अपनी तरफ खींच लेता है। इस वीडियो में जो हम लोकेशंस घूमने वाले हैं, उन लोकेशंस को विजिट करने के लिए आपको कोई भी इनरलाइन परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो लद्दाख में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, मगर लद्दाख आने पर सबका सफ़र शुरू होता है ले टाउन से। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में घूमते हैं ले सिटी के कुछ शानदार जगहों में। हमारी यात्रा शांति स्तूपा से शुरू होती है। ये जगह शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब आप इस सुंदर स्तूपा को देखोगे तो आपको सुकून का एहसास होगा। ये शांति स्तूपा 1991 में बनाया गया था, जिसे शांति और समृद्धि का प्रचार किया जाता है। इस स्तूपा का निर्माण जापानीज बुद्धिस्ट और लद्दाखी बुद्धिस्ट की सहायता से किया गया था। जब आप शांति स्तूपा पहुंचते हो तो यहाँ से आपको ले सिटी का अमेजिंग बर्ड्स आई व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से आप हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बेहतरीन नज़ारे भी देख सकते हो। अगली मंजिल है ले पैलेस। ले लद्दाख में स्थित एक महत्वपूर्ण पैलेस है जहां आपको मिलती है पुरानी दुनिया की यादें। पैलेस के पुराने कमरे और यहाँ की पुरानी चीजें आपको बेहद प्रभावित करेगी। ये 9 मंजिल वाला महल आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएगा। जब आप इस महल के कमरों में घूमोगे तो आपको असली हेरिटेज की महक महसूस होगी और ऊपर से आपको हसीन नज़ारे भी देखने मिलेंगे। आज के समय में ले पैलेस को म्यूजियम में बदला गया है। टूरिस्ट यहाँ पे आके शाही परिवार के रहने का तरीका देख सकते हैं। हमारा अगला स्टॉप है शे पैलेस। शे पैलेस लद्दाख के शे गांव में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। ये पैलेस 17th सेंचुरी में राजा दलदन नामग्याल द्वारा बनवाया गया था। शे पैलेस पहले ले के राजघराने का मुख्य मकान था। इस पैलेस का निर्माण पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से हुआ है। ये पैलेस 1655 में बनवाया गया था और उस समय ले के राजाओं का राजघराना यहाँ स्थापित किया गया था। पैलेस के अंदर आपको बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो राजा महाराजाओं के इतिहास और उनके जीवन शैली को दिखाते हैं। आजकल शे पैलेस पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है। यहाँ आने वाले लोग पैलेस की खूबसूरती और इसकी इतिहास का महत्व को समझने का आनंद लेते हैं। पैलेस में स्थित बुद्धा की ये मूर्ति बेहद प्रमुख अट्रैक्शन है। ये मूर्ति लगभग 12 मीटर लंबी है और इसकी सुंदरता देखकर आप खुश हो जाओगे। शे पैलेस अपने इतिहास और प्रकृति के साथ ले लद्दाख के पर्यटन का एक बेहद महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थल है। शे पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद अगर आप 4 किलोमीटर और आगे ड्राइव करेंगे तो आप पहुंच जाओगे तिक्से मॉनेस्ट्री। तिक्से मॉनेस्ट्री लद्दाख के सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्री के साथ साथ शांति के लिए पूरे लद्दाख में प्रसिद्ध है, जिसके आसपास की खूबसूरती और यहाँ की शांति हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगी। इस मॉनेस्ट्री का निर्माण 15 सेंचुरी में किया गया था। ये मॉनेस्ट्री समुद्र तल से लगभग 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो ले पहाड़ियों पर बसी हुई 12 मंजिल ऊंची मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री को पोटाला के पैलेस के आधार पर बनाया गया है।
इस मॉनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण केंद्र इस मॉनेस्ट्री में बनी ये मैत्रेय बुद्धा की 50 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगली जगह है हेमिस मॉनेस्ट्री। हेमिस मॉनेस्ट्री लद्दाख की हेमिस गांव में स्थित एक प्रमुख बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। ये मॉनेस्ट्री ले सिटी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है ये मॉनेस्ट्री बनाई गई थी इन द 11th सेंचुरी, बट इसको रीएस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1672 बाय किंग सेंचन नामग्याल। हेमिस मॉनेस्ट्री भगवान पद्मसंभवा को समर्पित है, जिन्हें बुद्ध का दूसरा रूप भी माना जाता है। हमारा अगला लोकेशन है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम लद्दाख में स्थित एक प्रसिद्ध संग्रहालय है, जो भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को समर्पित है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय में भारतीय सेना के जवानों की विराट कहानियाँ और उनकी साहसिक कथाएं दर्शाई जाती है। यहाँ आपको वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर आपको भारत के महान सैनिकों की जीवन कथा और उनकी कठोर मेहनत के बारे में जानकारी मिलती है। हॉल ऑफ फेम में शहीद सैनिकों के नाम और उनके सम्मान के प्रतिष्ठित स्तंभ भी है, जो उनकी वीरता और बलिदान की याद दिलाते हैं। हॉल ऑफ फेम अपने वीर सैनिकों के सम्मान और भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आने पर आपको सैनिक समृद्धि और देशभक्ति का एहसास होता है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लद्दाख के लेह और कारगिल के बीच स्थित एक पवित्र स्थल है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब का इतिहास पुराने समय में जाता है, जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर उपासना करते थे। इस स्थल पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, इस कारण से गुरुद्वारा का नाम पत्थर साहिब रखा गया। गुरुद्वारा पत्थर साहिब का माहौल बहुत ही शांति और प्रेम से भरा होता है। यहाँ पर आने वाले लोग गुरुद्वारा में दर्शन करने और लंगर में भोजन करने का आनंद लेते हैं। हमारा अगला स्टॉप है मैग्नेटिक हिल। ये एक अनोखी लोकेशन है जो सिर्फ आप इंडिया में देख सकते हैं, और मैग्नेटिक हिल्स अगर आप विजिट करते हो तो आप KTV राइड्स भी कर सकते हो। कहा जाता है कि ये पहाड़ ऐसा है जहाँ गाड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर चढ़ती है बिना इंजन स्टार्ट किए। हमारा अगला स्टॉप है संगम पॉइंट। लद्दाख का एक खूबसूरत स्थल है जहाँ इंडस और जंस्कार रिवर का संगम होता है। ये संगम पॉइंट नीमू गांव के पास स्थित है और एक प्रमुख अट्रैक्शन है। संगम पॉइंट पर पहुँचने पर आपको इंडस और जंस्कार नदियों के अलग अलग रंगों का नज़ारा मिलता है। ये जगह रिवर राफ्टिंग के लिए भी फेमस है। सर्दियों में जब जंस्कार रिवर फ्रीज हो जाती है, तब यहाँ पे एक फेमस ट्रैक शुरू होता है, उसका नाम है चादर ट्रैक। हमारा अगला लोकेशन है रैंचो स्कूल। रैंचो स्कूल लद्दाख में स्थित एक अजीब और गरीब लेकिन अनोखा स्कूल है। यहाँ आने पर आप रैंचो कैफे विजिट कर सकते हो और लद्दाखी ड्रेस पहनकर अपने फोटो खिंचा सकते हो। ये स्कूल बॉलीवुड फिल्म 3 Idiots से प्रसिद्ध हुआ है। रैंचो स्कूल लद्दाख की एक अलग ही दुनिया है, और यहाँ पे एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ पे 3 Idiots के पेंटिंग्स और 3 Idiots की जो एक वॉल थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने फोटो खींच सकते हैं। हमारा अगला लोकेशन है ले मार्केट। ले मार्केट लद्दाख का मुख्य मार्केट है। ये मार्केट ले सिटी में है और यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं। ले मार्केट में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप कपड़े, जूते, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरीज, पश्मीना शॉल्स खरीद सकते हैं। ले मार्केट में आपको स्थानीय खाना भी मिल सकता है, जैसे मोमोज, थुक्पा और लद्दाखियन चाय।
और ये थी ले सिटी लद्दाख में घूमने के लिए टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। शांति भरे मॉनेस्ट्रीज से लेकर दिल को छू लेने वाले लैंडस्केप्स तक ले आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता है, जिसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर एक्साइटिंग ट्रैवल एडवेंचर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।